हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं LIC ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आप में एक पॉजिटिव एनर्जी भर देगी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको सुनने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये 20 जो मैजिकल स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो किसी भी LIC एजेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं। एंड आप सबसे गुजारिश है कि लास्ट के 5 जो सेंटेंस हैं वो तो इतने मैजिकल है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर उसे देखें और अपने लाइफ में उसको आजमाएं। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दे सकूं। सो ये वीडियो है गाइस, पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर पॉजिटिव एनर्जी। सो आप सबको पता है कि एक सेल्स पर्सन के लिए पॉजिटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, दो एजेंट हैं, वे अपने किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं सेल के लिए, इंश्योरेंस के लिए। सपोज़ अपने मामा के पास गए इंश्योरेंस के लिए, उनके मामा ने मना कर दिया। अब एक एजेंट जो है जिसके अंदर बिल्कुल ही पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो क्या सोचेगा, अरे यार ये तो मेरे अपने सगे होके भी इंश्योरेंस नहीं ले रहे, दूसरे क्या लेंगे। वो चुप होके, उदास होके बैठ जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन एक दूसरा एजेंट है जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है, वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपने मामा जी को। अगर कन्विंस नहीं होते तो उससे वो उदास नहीं होगा, वो दुगनी एनर्जी के साथ दूसरे अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएगा और वहाँ पे सेल करेगा। सो ये होता है पॉजिटिव एनर्जी का रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। सो आज मैं वही 20 मैजिकल सेंटेंसेस आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरेंगी। ठीक है, आपको कैसे लगे और कौन सा आपको सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। सो सबसे जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि सेल्स के बिना पैसा कमाया जा सकता है, परंतु सेल्स के बिना बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव सेंटेंस है गाइस। सेल्स के बिना हर कोई पैसा कमा लेता है, कोई कुछ दुकान खोल कर बैठ जाता है, कोई जॉब करता है, बट उनके पास एक लिमिटेड आमदनी ही आती है। बट सेल्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस सोचो कितनी एनर्जी वाला सेंटेंस है, ग्राहक सिर्फ ना कर सकता है और कुछ नहीं, इसलिए डरो मत। कितनी अच्छी बात है, ग्राहक के पास आप जाओगे, अपने प्लान बताओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, या तो बोलेगा बाद में आना या फिर ना कर देगा, और कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि यही चीज़ दो चीज़ें वो कर सकता है। तो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर किसी को अप्रोच कर सकते हो। तीसरा जो सेंटेंस है, किसी को अप्रोच करते समय ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सीधे पूछ लेना चाहिए। हम में से अधिकतर एजेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं उसके पास जाऊँ कि ना जाऊँ, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे मैं कैसे इंश्योरेंस के लिए बोलूँ, वो तो उस कंपनी का मालिक है, वो तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो तो डॉक्टर हैं। सो इतना सोचते रहोगे तो फिर सेल नहीं कर पाओगे आप। इसलिए इंश्योरेंस में बोला गया है कि अप्रोच करते समय ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, सीधे पूछ लेना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला, सिर्फ ना कर सकते हैं और कुछ नहीं, इसलिए डरो मत। अब आते हैं चौथे सेंटेंस पे, पैसा कमाना है तो ना सुनने की आदत डालो। ये एक सेल्स पर्सन के लिए ज़बरदस्त लाइन है कि अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ना सुनोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अगला सेंटेंस है, सेल्स मार्कशीट से नहीं बेशर्मी से होती है। ये थोड़ा सा सुन के आप लोगों को अजीब लगेगा बट यही फैक्ट है, आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा, आपको फॉलो अप लेनी पड़ेगी बहुत सारी। हम क्या सोचते हैं यार फ़ोन करूँगा बार बार कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे वो, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेशर्म बनो अगर आपको पैसे कमाना है तो, आप बार बार फ़ोन करो जब तक कि वो ना बोल दें या फिर आपका नंबर ब्लॉक कर दें, तभी आप पैसे कमा पाओगे। अगला सेंटेंस है, सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन में सेल्स होती है। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है,
सेल्स में कभी रिजेक्शन नहीं होता। कस्टमर ना बोलता है इट्स नॉट मीन कि रिजेक्ट होगा, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाने में, इसलिए रिजेक्शन में सेल होती है। जब कस्टमर एक रिजेक्ट कर देगा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, आप दोगुनी एनर्जी के पास दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे और अच्छे अमाउंट का सेल करोगे। सातवां सेंटेंस है, सेल्स में ग्राहक हाँ करने के बाद भी मना कर देते हैं तो दिल पे मत लेना। बहुत ही बेहतरीन ये भी सेंटेंस है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कि सेल्स में ग्राहक आपको हाँ बोल देगा, आप उससे जाओगे फॉर्म साइनअप कराने, फॉर्म भी भर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस डॉक्यूमेंट्स या फिर पैसे देने के टाइम पे मना कर देता है। सो ऐसे सिचुएशंस होते हैं, हाँ करने के बाद भी ना कर देते हैं, इसलिए दिल पे नहीं लेना चाहिए। कन्विंस करो, नहीं मान रहा मूव ऑन, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। आठवां सेंटेंस है, जब तुम सारी दुनिया का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते तो सारी दुनिया भी तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात है, क्या आप सारे प्रोडक्ट खरीद पाते हो? आपके पास इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, कॉल्स आती है, कितने सारे टेलीकॉलर्स के कॉल आते हैं, क्या आप सबके सामान लेते हो? नहीं लेते ना। सो इसीलिए आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप भी अप्रोच करो, जिसको लेना होगा लेगा, राइट। आपका काम है अवेयरनेस फैलाना, नीड एनालाइज करना, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है, हमारा काम है ढूंढना, जो हमारे होंगे वो हमें मिल जाएंगे और जो नहीं होंगे वो कहीं और चले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्रोस्पेक्ट बनाना, कस्टमर ढूंढना, जो हमारे होंगे, जिनको ज़रूरत होगी, जिनको हमने बताई जो चीज़ें, वो उनको लगेगी कि हाँ भाई उनकी फैमिली के लिए अच्छा है, वो मिल जाएंगे। जो हमारे होंगे ही नहीं वो कहीं और चले जाएंगे, इसलिए दिल पे लेना ही नहीं है। अगला सेंटेंस है दसवां, जिस दिन सेल्स पर्सन पर रिजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है पैसे आने शुरू हो जाते हैं। 100% ट्रू फैक्ट है, जिस दिन आपके ऊपर से रिजेक्शन का असर ख़त्म हो जाएगा ना, बिकॉज रिजेक्शन ही ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड डीमोटिवेट करती है एक एजेंट को। सो जिस दिन आप पे रिजेक्शन का असर ख़त्म हो गया, आप बहुत पैसे कमाने शुरू कर दोगे, ध्यान रखना। ये बहुत ही अच्छी सेंटेंस है मेरे रिकॉर्डिंग। अब आते हैं ग्यारहवें सेंटेंस पे, कोई मीटिंग तुम्हें सिखाएगी और कोई पैसे देगी, दोनों में तुम्हारा ही फायदा है। क्या ज़बरदस्त सेंटेंस है, हम इतनी मीटिंग्स करते हैं, आप सबको खुद भी पता होगा कि कितना कुछ सीखने को मिलता है हर एक मीटिंग में। सो इसमें लॉस ही क्या है, अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं कस्टमर नहीं मान रहा तो क्या दिक्कत है, हमें सीखने को तो मिल रहा है ना, और अगर ले लिया तो हमें पैसे मिल गए, तो दोनों में हमारा ही फायदा है। बारहवां सेंटेंस, एक सेल्स पर्सन का सिर्फ एक ही काम होता है, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, रिजेक्शन के बारे में सोचना नहीं। बिल्कुल, ये आप सबको भी याद रखना चाहिए कि हमारा सिर्फ एक ही काम है, बहुत सारे लोगों से मिलना। डेली वाइज हमें 10 लोगों से, 20 लोग, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं मिलें। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतनी ज़्यादा आपको ना सुनने को मिलेगी और उतने ज़्यादा पैसे भी कमाओगे। सो रिजेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, आप मिलते रहो बस। तेरहवां सेंटेंस है, प्यार और सेल्स की शुरुआत ना से होती है, प्यार भी होता है सेल्स भी होता है, फॉलो अप करो। कितनी अच्छी रोमांटिक लाइन है, प्यार और सेल्स। बिल्कुल, प्यार में भी देखते हो हर कोई पहले ही डायरेक्ट ना नहीं बोल देता प्रपोज करो, तो आपको फॉलो अप करना पड़ता है, बार बार उसको अपनी जो है अवेलेबिलिटी का एहसास दिलाना पड़ता है, आप कितना केयर करते हो ये बताना पड़ता है। सो इतने सारे फॉलोअप्स के बाद वो आपको एक्सेप्ट करता है, वैसे ही सेल्स में हर कोई डायरेक्ट आपको ना नहीं बोलेगा, आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, आपको बार बार उन्हें रिमाइंड करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तब वो आपसे लेंगे सेल्स। सो इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। 14 सेंटेंस हैं, जब हम ज्ञान को समय देते हैं तो वही ज्ञान हमारी अप्रोच, मीटिंग, फॉलोअप के समय हमारा साथ देती है। यहाँ पे ज्ञान को इम्पोर्टेंस बताया गया, जो हम ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स या फिर जो अपने डिविजनल ऑफिसर, डीओ से बात, डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करके जो हमें ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान तो जब आप किसी पर्सन से मीटिंग करते हो या अप्रोच करते हो, फॉलोअप करते हो, तो यही सारे मीटिंग्स या लर्निंग या ट्रेनिंग ही उस समय हमारा साथ देती हैं और कुछ साथ नहीं देता, उसी की वजह से हम सेल्स कर पाते हैं। इसलिए आप सब ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करो। 15th, गुरु बनना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाए बिना आज तक कोई गुरु नहीं बना है। देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर आपको सेल्स में लीडर बनना है, गुरु बनना है, बहुत सारी सेल्स करनी है, तो सबसे पहले किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के आज बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे हैं,
ट्रेनर्स, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हो। सो उन सब से सीखो, बिना गुरु बनाए आप गुरु नहीं बन सकते। 16th, प्रतिदिन सेल्स की आधे घंटे की पढ़ाई से कमाई की लड़ाई को जीता जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, आप हर दिन सिर्फ आधे घंटे अपने आप पे समय दो, अपने दिमाग को टाइम दो, अपने दिमाग को डेवलप करो, ट्रेनिंग लो। वही आपकी जो ट्रेनिंग है ना, वो आपको कमाई करा सकती है। सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई जो है आपको कमाई की लड़ाई से जिता सकती है। 17th, सेल्स में तुम्हारी कमाई तुम्हारा ज्ञान तय करता है, ना कि तुम्हारी इच्छा। बिल्कुल सही बात है, जितने तुम्हारे पास नॉलेज होंगी, जितने ये तुम अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो, जितने अच्छे से कस्टमर को आप समझा सकते हो, सो उसी से सेल्स होता है, ना कि तुम्हारी च्वाइस पे। ठीक है, तभी मैंने बोला कि लास्ट के जो 5 सेंटेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप उसको ज़रूर सुनना। 18th सेंटेंस है, ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब सेल्स होने जा रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है दैट मीन्स कस्टमर इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान के बारे में, आपकी पॉलिसी के बारे में। अगर वो इतना ऑब्जेक्शन दे रहा है दैट मीन्स आप श्योर हो जाओ कि सेल्स आ रही है, आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल करो। 19th, सेल्स में ऑब्जेक्शन आए बिना पैसा नहीं आता है। बिल्कुल, जब तक आप सेल्स में ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तब तक वो सेल्स होगी ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता कि आप जाओगे और आपसे पॉलिसी करा लेगा, साइन करके दे देगा प्रपोजल फॉर्म। सो ऑब्जेक्शन आ रहा है दैट मीन्स पैसा आ रहा है। 20th, जो लास्ट सेंटेंस है जो कि सबसे ज़्यादा मैजिकल है, वो यह है कि तुम हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। कुछ टालेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोल कर ना बोलेंगे, कुछ तुम्हें करोड़पति बना देंगे। तुम हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। वाओ, कितनी अच्छी बात है। हमारा काम ही क्या है, हमने पूरे जो 20 मैजिकल सेंटेंसेस सुने हर सब में यही दिया गया है कि हमारा काम है लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाओ, अप्रोच करो, अगर कोई रिजेक्ट करता है तो उस पर दिल पे मत लो। सो क्या होगा, सबको दिखाओ प्रोडक्ट, कुछ क्या करेंगे, टालेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोल कर ना बोलेंगे, बट कुछ लोग तुम्हें करोड़पति भी बना देंगे। सो इसलिए सबसे अपना प्रोडक्ट दिखाओ। सो ये थे 20 सेंटेंसेस जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मैजिकल थे। जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इसका, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। आप इनमें से आपको जो बेस्ट लगे हों आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड अपने दूसरे जो इंश्योरेंस एडवाइज़र फ्रेंड हैं उनको आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आगे देता रहूँ। थैंक यू सो मच।